एक बार भगवान कृष्ण गोलोक धाम में ध्यान मग्न थे। उनके मन में राज करने की इच्छा हुई। जैसे ही उनके मन में ये इच्छा प्रकट हुई, सभी देवतागण वहां उपस्थित हो गए और वो उनके साथ राज करने लगे। लेकिन भगवान के मन में विचार आया, ये सभी देवता मेरी प्रसन्नता के लिए ही ये नृत्य कर रहे हैं। कोई तो ऐसा हो जो मेरे ही समान और मुझसे अच्छा कोई नृत्य करे। तो भगवान ने की सिर्फ ऐसी कल्पना थी कि भगवान के शरीर से हृदय पटल से एक प्रकाश पुंज प्रस्फुटित हुआ और वो देखते ही देखते स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया और उस स्त्री में से बहुत सारे गो ग्वाल आदि सब प्रकट हो गए। उस स्त्री का प्रकाश ऐसा था मानो 100 सूर्य का प्रकाश उसमें समाया हुआ। उस स्त्री को देखकर सभी देवतागण बोलने लगे कि प्रभु ये कौन है। तब उन्होंने कहा कि मैं भगवान की आराधना करती हूँ, भगवान के अलावा और किसी की आराधना नहीं करती, तो मेरा नाम राधा है। भगवान ने भी कहा, मैं जिसकी आराधना करता हूँ ये वो है, ये श्री राधा है। इतने में ही वो स्त्री भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए दौड़ी तो भगवान ने उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने साथ वाले सिंहासन पर बिठा लिया। इस तरह से तब से राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ में ही विराजमान रहती हैं और ब्रह्मा जी ने गोलोक धाम में वहां पर उनका कन्यादान कर भगवान के साथ उनका विवाह किया। इस तरह से गोलोक धाम में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह भी हुआ, प्राकट्य भी हुआ।